झारखंड के दिशम गुरु सीएम हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन ने स्थानीय नीति पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि झारखंड में स्थानीय नीति में बदलाव होगा। इस राज्य के आदिवासी और मूलवासी के हक अधिकार के लिए 1932 का कट ऑफ डेट लागू किया जाएगा। पिछली सरकार का कट ऑफ डेट 1985 का सही नहीं था। अगर लागू ही करना था तो शुरू से ही करते। 1985 के डेट से झारखंड के लोग अपने हक से वंचित रह गए। अब नई सरकार द्वारा 1932 के डेट तय हो जाने के बाद यहाँ के जंगल झाड़ में रहने वाले खतियानी रैयत वाले मूलवासी आदिवासी को पलायन नहीं करना पड़ेगा, उनको लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि भाजपा की पिछली रघुवर सरकार ने झारखंड में कट ऑफ डेट 1985 रखा था, लेकिन हेमंत की सरकार आने के बाद इस डेट को निरस्त कर 1932 के खतियान रैयत को आधार मानकर लोगों को स्थानीय निवासी बताने का निर्णय लेने का मन बनाया हुआ है। जो यहाँ का खतियान है, जो यहाँ का पुराना बसिंदा है, उसको तो हर प्रकार का हक मिलता चाहिए। आए हुए लोगों से दुख में सुख में पलाय है रहा है। टैग रखा था 1985 का सरकार, 1985 का रखा था, फिर 1982 का ठीक नहीं है। देना देना बराबर है, 1935 कितना होता है, दे तो शुरू से देखो मत दे, लड़ रहे हैं लोग। लेकिन सब जगह तो 1932 में हुआ नहीं सर्वे कंप्लीट, कहीं 34 कहीं 36 में भी हुआ, तो मतलब सबसे अंतिम जो हुआ है उसी के आधार हमने खतियान जो लास्ट हुआ है। आज जो भी जब से खतियान ही हुआ तभी से हम कहते हैं हमने आगे पीछे एक दूसरा हुआ उसकी मतलब। हेमंत के छोटे भाई बसंत सोरेन ने भी कहा कि पिछली रघुवर सरकार झारखंड में तानाशाही रवैया अपनाकर कट ऑफ डेट 1985 बनाया था, जो इस राज्य के मूलवासी और आदिवासी के लिए सही नहीं था। उन्होंने कहा कि खुद सीएम हेमंत सोरेन इस कानून का संशोधन कर राज्य के मूलवासी के हक में कट ऑफ डेट 1932 तय करेंगे, ऐसी बात हुई है। बिल्कुल, हेमंत जी ने कहा भी है और 1932 लागू होगा ही। कितने फायदे होंगे? अभी काफ़ी फायदे होंगे, इससे जो यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनको उनका हक मिलेगा। ये पिछला सरकार तो कट ऑफ डेट आपका 1985 का, जी जी जी, पिछला सरकार ने अपनी तानाशाह कानून लगाया था, मनमानी की थी, उसको लेकर के हेमंत जी काफ़ी सुधार करेंगे चीज़ों पे। कितना लॉस हुआ है यहाँ के लोगों को? काफ़ी नुकसान हुआ।